हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कुणाल, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का खजाना। मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो लाया हूं, जिसमें बात करने वाले हैं कि जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो हम बैन होने से कैसे रोक सकते हैं उसको। मतलब कि जो हम जाने इंस्टाग्राम की जो आईडी होती है ना हमारी, हम उसको परमानेंटली डिलीट होने से कैसे रोक सकते हैं, उसके मैं 5 तरीके बताने वाला हूं, जो कि बहुत मेन तरीके हैं। आप क्योंकि वो 5 तरीके ऐसी हैं ना, मतलब 5 तरीके ऐसे होते हैं कि हम जो वो गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वो 5 तरीके आप कंटिन्यू अगर देखोगे, आप अगर गलती करी होगी तो आप वो समझ जाओगे, आप अपनी गलती सुधारोगे। और मैंने भी वो गलती करी थी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। अब देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम एकदम मेरा नॉर्मल है। अब देख सकते हो मैं बस स्लाइड कर रहा हूँ, एकदम जैसे आपका इंस्टाग्राम होता है वैसे मेरा इंस्टाग्राम है एकदम। अब चलते हैं मेरी प्रोफाइल की तरफ। अब भाई देखो, ये मेरी प्रोफाइल है, आप भी इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा और मैं आपको फॉलो बैक भी दे दूंगा। आप बस उसको मैसेज कर दीजिएगा कि भाई यूट्यूब से आया हूँ, मैंने आपकी ये वाली वीडियो देखी थी, और आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो यहीं पर मैसेज कर दीजिएगा कि भाई मुझे यहाँ दिक्कत आई। अब चलते हैं अपने पहली ट्रिक की तरफ। अब देखिए यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आते हैं। अब मैसेज का ऑप्शन लोग क्या करते हैं, यहाँ भेजते हैं 18+ कंटेंट। जो 18+ कंटेंट होते हैं ना, लोग ये भेजते हैं इसमें। फेसबुक में तो चल जाता है, भाई फेसबुक में भाई अपना ग्रुप बना लेते हैं लोग वो तो चल जाता है। इसमें भाई 18+ कंटेंट ना, इसमें एक स्पैम माना गया है, जो कि आपकी आईडी बैन करा सकता है परमानेंटली, क्योंकि इंस्टाग्राम नहीं चाहता है कि 18+ कंटेंट मेरे इसमें इंस्टाग्राम में घूमे। कि जो इंस्टाग्राम चाहता है कि खाली मेरे नॉर्मल चले, 18+ कंटेंट यहाँ पर ना घूमे, तो लोग यहाँ पर 18+ कंटेंट भेजते हैं, तो इसको मत भेजिया करें। अब चलते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक है हमारी, इसमें हमारा जाना है इस पर कमेंट बॉक्स में। जैसे कमेंट सामने ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस भाई की कमेंट में जा रहा हूँ। अब जैसे देखो, मान सपोज करो ये मेरा दोस्त की फोटो थी। अब मैंने इस पर बहुत सारे कमेंट करे, बहुत सारे कमेंट करता गया कि भाई अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी लग रही फ़ोटो, ये इमोजी भेज जा रहा हूँ, पर इतनी सारी भाई 50-60 इतने सारे कमेंट भेजता गया। अब भाई इंस्टाग्राम सोचता है कि भाई ये बंदा पागल तो नहीं है, इतने सारे कमेंट कर चुका, खाली एक ही बंदा इतने सारे वो कर रहा है, तो भाई ये भी एक तरह का स्पैम है, ये भी इंस्टाग्राम मना करता है, ये इसके पॉलिसी के खिलाफ है, ये इतने कमेंट करना भी बेकार है। कि इंस्टाग्राम की पॉलिसी ऐसे कहती है कि इसको इतने कमेंट करना नहीं है भाई, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी आईडी बैन हो सकती है परमानेंटली, और आप उसको सर्च भी नहीं कर पाओगे कि मेरी आईडी गई तो गई कहाँ, वो परमानेंटली बैन हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ। जो तीसरी ट्रिक है ना, वो भी एकदम ऐसी ही तीसरी ट्रिक है एकदम हमारी। अब यहाँ से हम करते हैं थोड़ा बैक कर लेते हैं, हम यहाँ से बैक कर लिया हमने। अब जाते हैं अपनी प्रोफाइल की तरफ, जो मेरी प्रोफाइल है वहाँ जाता हूँ। अब मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मैंने कोई फ़ोटो पोस्ट कर रखी है, जैसे ही मेरी फ़ोटो आ गई, अब मैं यहाँ से इसमें जाऊँगा एडिट वाले। अब देख सकते हो यहाँ पे हैशटैग बहुत मायने हैं भाई इसमें। आपको हैशटैग लगाने गिनती के 5 या 7 लगाओगे ना, वो भी बहुत होते हैं हैशटैग। मैंने देखो गिनती के 2 या 3 लगाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आता हूँ एडिट में। अब लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे #explore #like #viral वीडियो, इतने सारे हैशटैग भरते रहेंगे। अब भाई एक सीमा होती है कि इतने ही आप हैशटैग लगा सकते हो। अब शायद से इसके अंदर सीमा इतनी है कि 20 तक ही है, शायद से इसमें 20 तक की रेंज है, या 20 तक लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अब भाई लोग क्या होता है, 20 के 20 लगा देंगे भाई पूरे, भाई जितने हैशटैग लग रहे हैं लगाते चल जितने हैशटैग लग रहे हैं। अब भाई ये भी एक तरह का ना स्पैम है, और ये भी आपकी आईडी बैन करा सकता है परमानेंटली, और आप इसको छुटवा नहीं सकते हो, ये ऐसी बैन करवाएगा छुटवा भी नहीं सकते आप। देखो मैं यहाँ पर लिखा जा रहा हूँ, अब वो आप लिखा जा रहा है। अब यही आपकी आईडी बैन करा सकता है परमानेंटली। अगर आपको वीआईली का ट्रिक अच्छी लगी हो तो भाई लाइक मारो इस टाइम पर जल्दी जाकर। अब चलते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक है जो हमारी। अब चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रिक की तरफ। यहाँ से हम बैक करते हैं, यहाँ पे सेव नहीं करूँगा इसको मैं, बैक कर दिया है। अब यहाँ चलते हैं बैक करेंगे। अब भाई जो चौथी ट्रिक है ना, अब जैसे आप देख सकते हो रील्स में जाते हो,
जैसे हम रील्स चालू करते हैं अपने नॉर्मल, ये तो हमें रील्स आ गई। अब भाई लोग क्या करते हैं, फॉलो पे फॉलो, जो आ रहा है फॉलो ही फॉलो, फॉलो ही फॉलो, फॉलो पे फॉलो करते रहते हैं। मतलब भाई सोचते ही नहीं है कि इतने फॉलो कर लिए मैंने, और भाई 5-6 हज़ार इतने बंदे कर लेंगे ना भाई फॉलो ही फॉलो, भाई देखने लायक कोई नहीं बचता है। खाली उनको करो जो आपको जानते हो, जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है। इतने भी मत करो कि आप परेशान ही हो जाओ कि कर भाई इतने कर लिए मैंने और भाई इतने फॉलोअर वापस आ गए मेरे पास, अब भाई मैं खुश हो रहा हूँ कि इतने इतने फॉलोअर मेरे पास वापस आए। अब जैसे देखो इस भाई के तो फॉलोअर भी अच्छे हैं, तो इस भाई ने फॉलो भी ठीक कर रखे अपने हिसाब से, इसकी लिमिट में, इस भाई ने लिमिट में रखी कि इससे ज़्यादा इतने ही कर रखे मैंने, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, अब भाई वो इसकी सोच है। अब लोग क्या करते हैं, आइडियो में जाएंगे फॉलो 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 करते रहेंगे सबको, लोगों के आइडियो में जाते हैं और फॉलो करते रहते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने फॉलोवर रिमूव कर दो जब जिसने कर रखा है, क्योंकि ये भी एक आईडी बैन होने के लक्षण होते हैं, जो कि तुम में बहुत जल्दी जागते हैं। मजाक नहीं कर रहा, लक्षण बहुत जल्दी जागते हैं ऐसे लोगों में कि फॉलो करूँगा तो फॉलो बैक आएगी मेरे को और फॉलोवर भी बढ़ेंगे तो लाइक आएंगी। भाई कुछ लाइक नहीं आती, कुछ मेन नहीं होते ये, आप देख सकते हो सामने एक्सप्लोर का बटन, आप देखते हो ना कुछ भी नहीं होता ये सामने, इतने सारे आ जाएंगे फॉलो के। अब चलते हैं अपनी पांचवी जो लास्ट ट्रिक है हमारी, फिफ्थ ट्रिक है जो कि बहुत मेन है। अब चलते हैं भाई, जब आपने सोचा होगा कि ये लाइक नहीं आ रही है, अब 2-3 ऐप लगाऊंगा, थर्ड पार्टी ऐप लगाऊंगा, अब ऐप आपके लाइक ही बढ़ाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जाते हो प्ले स्टोर पर डाउनलोड करते हो बहुत सारे ऐप, इंस्टाग्राम लाइक करो, इंस्टाग्राम फॉलो बढ़ाने के लिए, इंस्टाग्राम ये सब करने के लिए। अब जैसे देखो प्ले स्टोर पर जाते हैं लोग, प्ले स्टोर पर क्या है, एप्लीकेशन ऐप एक आपको एप्लीकेशन पकड़ाता है कि यार भाई आले आपकी एप्लीकेशन ये वाली आपकी है, आप अभी इसको यूज़ कर सकते हो फ्री में, आप पेड भी हो सकती है फ्री भी हो सकती है। अब भाई जैसे मैं यहाँ सर्च करा इंस्टाग्राम लाइक, तो यहाँ पर बहुत सारी वो आ जाएंगी एप्लीकेशन आ जाएगी कि इससे फॉलोवर बढ़ाओ, इससे फॉलोवर बढ़ाओ, इससे लाइकें बढ़ाओ, इससे ये करो, इससे ये करो। अब भाई ऐसा कुछ मत करे करो, सब कुछ ख़राब होता है, ऐसा आईडी आपकी हैक हो सकती है, तो आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हो ना बहुत सारे, इससे आइडियाँ हैक होती हैं भाई ज़्यादातर, और आप क्योंकि उसमें डालता है पूछता है कि आप अपनी इसमें आईडी डालो, वो सीरियस में बोलता है कि आप इसमें अपने अकाउंट यहाँ पे पहले ज्वाइन करो तभी ये ऐप आगे खुलेगा। अकाउंट ओपन खाली इंस्टाग्राम के ऐप में ही करना चाहिए एप्लीकेशन में, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप में इंस्टाग्राम डाउनलोड मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट अपना खोलते हो तो भाई हैक के लक्षण है पूरे आपके वो, और वो अगर हैक हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके सबके पास सिवाय बस एक होएगा कि खाली भाई मैं मारूँ डीएक्टिवेट इस आईडी को डीएक्टिवेट मानने के आपके पूरे लक्षण आ जाएंगे फिर आपके अंदर। और अगर हाँ अगर लक्षण आ गए ना तो जाओ ब्रेस के सब्सक्राइबर के लक्षण भी ले लो और थोड़ी लाइक भी ले लो, लाइक ले लो नहीं मतलब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना।